नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी एज वेल एज सॉल्यूशन फार्मेसी। आज का ये जो वीडियो है वो आपसे एक रिक्वेस्ट कम आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि आज हम मैं कुछ चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ, वह है फार्मेसी डिक्शनरी। जैसा कि आप जानते हैं कि बेसिक क्लासेस में जो KG1 है, KG2 है, इनमें गिनती सिखाई जाती है, फिर आगे जाकर के टेबल सिखाए जाते हैं, अल्फाबेट सिखाए जाते हैं, और आगे जाकर के हम आगे बहुत बड़े ग्रामर की ओर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये जो चीजें हैं वो बहुत बेसिक हैं। अगर आपको टेबल नहीं मालूम है, अगर आपको गिनतियां नहीं मालूम है, अगर आपको अल्फाबेट नहीं मालूम है, तो वर्ड्स को बनाना और उस वर्ड्स की मीनिंग वोकैबुलरी समझना बहुत दिक्कत होगी। इसी कॉन्सेप्ट को हमारे फार्मेसी में अप्लाई करते हुए हमने एक नया चैनल स्टार्ट किया था कुछ महीने पहले, जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी। इन फार्मेसी डिक्शनरी के चैनल में हम आपके फार्मेसी के सारे सब्जेक्ट को रैंडम तरीके से, उनके जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, टर्मिनोलॉजी है, वर्ड्स है, मीनिंग है, इनको हर एक रात को 8 बजे आपके लिए लेकर के आते हैं। हमारा जो मकसद था वो ये कि इस चैनल में हम आपको उस वर्ड की, उस टर्म की हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक अपने मन से डिराइव किया हुआ, किसी बुक से कॉपी या कहीं से सर्च करके कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं, उसको सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हुए उसकी डेफिनेशन आपको प्रोवाइड करें। ये डेफिनेशन 3 फॉर्म में होता है। वर्ड के फॉर्म में हम आपको एक्सप्लेन करते हैं, साइमल्टेनियसली ये आपके व्हाइट बोर्ड के इस साइड में इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों में मेंशन रहता है, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रखना चाहें तो अपने लिए एक टर्मिनोलॉजी बना सकते हैं। हमारा ये प्रयास रहा है कि हम ऐसे सारे वर्ड्स के बारे में आपको एक एक करके बताते जाएं, जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझाने में बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये वर्ड ऐसे हैं जो कि आपको आपके मेन सब्जेक्ट में, चाहे वो इकोलॉजी हो, कोग्नोसी हो, सूटिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जुरिसप्रूडेंस हो, HAP हो, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी या इसी तरीके से और भी कोई सब्जेक्ट हो, उनका बेसिक यही होता है। क्योंकि वर्ड्स के मीनिंग जाने बिना आगे स्किप करना तो आसान है, लेकिन उस वर्ड की मीनिंग को जाने बिना उसको समझ पाना, उस जो पैराग्राफ जो आपको बताना चाहता है, ये बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हमने काफी सारे सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ने के बाद काफी सारे वोकैबुलरी को आइसोलेट किया है, और हमारा प्रयास यही रहा है अभी तक निरंतर बिना किसी रुकावट के, कि हम आपको हर एक दिन एक एक नए नए टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करते चलें। जैसा मैंने कहा, ये जो टर्मिनोलॉजी है कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं होगा, ये आपके बुकिश लैंग्वेज में नहीं होंगे, ये आपको हमारे अपने लैंग्वेज में होंगे, ताकि आपको समझने और समझ करके उसको समझाने या एक्सप्लेन करने में आसानी होगी। सो आप अगर इंटरेस्टेड हैं इस तरह के चैनल के बारे में जानने के लिए, अपने वोकैबुलरी को इंक्रीज करने के लिए, तो या तो गूगल में जाकर के भी फार्मेसी डिक्शनरी सर्च कर सकते हैं, या YouTube में जाकर सीधा-सीधा फार्मेसी डिक्शनरी भी सर्च कर सकते हैं, जिसमें आपको बुक का लोगो दिखेगा, या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है इसे भी क्लिक करके देख सकते हैं। या अगर आप इन सब चीजों के बारे में इजी तरीके से जानना चाहते हैं, तो आपको यहां पे एक इंफॉर्मेशन भी दिख रहा होगा, यहां भी आप क्लिक करेंगे तो आप उस चैनल पर डायरेक्ट हो सकते हैं, उसके प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं, लेकिन बेटर यही होगा कि आप डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करें, आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। तो ये बात हो गई कुछ डिक्शनरी के बारे में। चलिए मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूं कि उस वीडियोस में, उस चैनल में हम किस तरीके के वीडियो को अपलोड करते हैं। तो इसके बाद आपको एक दो सैंपल दिखेंगे कि हम वहां पे किस तरह के वीडियो को आपके लिए अपलोड करते हैं। अगर आपको ये पसंद आता है तो डेफिनेटली आप उस चैनल पर जाकर के उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर पसंद नहीं आता है तो प्लीज हमें बताएं कि हम ऐसा और क्या इंप्रूवमेंट करें, ताकि आपकी वोकैबुलरी और आपकी नॉलेज को हम इंप्रूव कर सकें। क्योंकि हमारा मकसद केवल एक ही है, वी बिलीव इन शेयरिंग नॉट इन सेलिंग, और इस शेयर करने के लिए, इस फार्मेसी डिक्शनरी के चैनल को समझाने के लिए हमें आपकी आवश्यकता पड़ेगी, ताकि आप सॉल्यूशन फार्मेसी की वीडियोस को अच्छे समझ जाएं। इसके लिए ये जरूरी है कि आपके वोकैबुलरी, आपकी डिक्शनरी भी अच्छी हो। सो एट लास्ट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आप भी उस नया चैनल को अपना इसी तरह से प्यार और सपोर्ट देंगे। अगर आपको पसंद आते हैं वो चैनल की कंटेंट, प्लीज डू सब्सक्राइब। अगर पसंद नहीं आते हैं तो इट्स ऑन यू। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल में जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस टर्म के बारे में बात करने वाले हैं, ये जो टर्म है वो आपके फार्माकोलॉजी में काफी ज्यादा यूज किया जाने वाला, समझा जाने वाला वर्ड है। ये वर्ड है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मतलब क्या होता है? यहां भी ये जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक है कॉम्पिटिटिव यानी कि कॉम्पिटिशन करने वाला, और दूसरा होता है इनहिबिटर यानी कि उसको इनहिबिट करने वाला। तो ऐसे ड्रग, सिंपली अगर हम बात करते हैं, तो ऐसे ड्रग जो किसी एक ड्रग की या किसी दूसरे सिग्नल के फंक्शन को इनहिबिट कर रहे होंगे, अफेक्ट कर रहे होंगे, रिड्यूस कर रहे होंगे, ये सिंपली इनहिबिटर कहलाएंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर की, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ड्रग जिसके एक्शन को
कोई और ड्रग इनहिबिट कर रहा होगा वो बिल्कुल स्ट्रक्चरली सेम होगा, और जो ड्रग किसी एक्चुअल में ड्रग के एक्शन को इनहिबिट कर रहे होंगे वो उनकी जगह बाइंडिंग साइट के लिए कॉम्पीट करेंगे, फाइट करेंगे, और अगर उनकी पोटेंसी, उनकी एफिकेसी, उनकी एफिनिटी उस ड्रग की तुलना में ज्यादा है उस बाइंडिंग साइट के लिए, तो वो खुद बाइंड हो जाएंगे और ओरिजिनल ड्रग या ओरिजिनल सिग्नल मॉलिक्यूल को बाइंड होने नहीं देंगे। इस तरह से जो एक सिंगल बाइंडिंग साइट था उसको अचीव करने के लिए दो या दो से अधिक ड्रग या तो सिग्नल मॉलिक्यूल या तो लिगेंड कंपीट कर रहे होंगे, फाइट कर रहे होंगे, यही हमारा कहलाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अगर हम बात करते हैं एगोनिस्ट की, कॉम्पिटिटिव एगोनिस्ट यानी कि उसकी जगह बाइंड करके वो सेम फार्माकोलॉजिकल को अफेक्ट करेगा, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, तो यहां पे वो अगर जो ड्रग आपने लिया है वो उस बाइंडिंग साइट के साथ कंपीट करके खुद बाइंड होता है, तो यहां पे एक्चुअली ये देखा जाएगा कि वो उसके एक्चुअल के फंक्शन को इनहिबिट करेगा, यहां पे इसीलिए हमने लगाया है वर्ड इनहिबिटर। तो ये हो गया सिंपल सा एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। सो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हम जिस वर्ड के बारे में बात करने वाले हैं, आज का ये वर्ड है एफरेंट नर्व। एफरेंट नर्व का क्या मतलब होता है, यहां पे दो वर्ड लगा हुआ है, दोनों एक वर्ड नहीं है, दो अलग अलग वर्ड को मिलाकर के एक प्रॉपर मीनिंगफुल वर्ड सेंटेंस बने हुए हैं। एफरेंट का मतलब होता है जो उस पर्टिकुलर सेंटर पे आ रहा हो, यानी कि किसी न किसी बॉडी के दूसरे डिफरेंट पार्ट से कुछ चीजें आ रही हो तो वो कहलाती है एफरेंट। याद रखने का सिंपल तरीका है, क्योंकि दो वर्ड होते हैं एफरेंट और दूसरा होता है इफरेंट, तो एफरेंट का जो पहला वर्ड है वो ए है, ए फॉर आना, और ई का इफरेंट जो उसका वर्ड है पहला, उसका मतलब होता है एग्जिट हो जाना यानी कि चले जाना। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी एफरेंट नर्व के बारे में। तो ऐसे सारे नर्व, अ कलेक्शन ऑफ दोस टाइप ऑफ नर्व जो कि बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से आपके पेरिफेरल से मैसेज को लेकर के आ रहे होंगे और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इनको ड्रॉप आउट कर रहे होंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब आपका ब्रेन और आपका स्पाइनल कॉर्ड, इन दोनों जगह पे आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट से लाने वाले मैसेज को जो नर्व यहां पे ड्रॉप करते हैं इन्हीं को हम सिंपली कहते हैं एफरेंट नर्व। अगर नर्व की जगह कोई एफरेंट वेसल्स हो जाते तो उस तरह से वहां पे माना जा सकता था कि ब्लड को कहीं पे ला रहे हैं। तो यहां पे मतलब एफरेंट को कॉमन है जो लेकर के आता होगा, इसके पीछे जो भी वर्ड लगेगा उस पर्टिकुलर पार्ट पे वो लेकर के आएंगे। सो फ्रेंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आपको समझ में आ जाए ऐसी हम एक्सपेक्ट करते हैं, थैंक यू। आज हम जिस वर्ड के बारे में बात करने वाले हैं, आज का ये वर्ड है प्री एनेस्थेटिक ड्रग, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि एनेस्थेसिया देने से पहले लिए जाते हैं। तो एक बार चलिए शॉर्ट में रिवाइज करते हैं, व्हाट आर एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया एक ऐसे ड्रग है जो आपके पेन के परसेप्शन को रिवर्सिबली ब्लॉक करते हैं, और इनको इनके साइट पे यूज करने के अकॉर्डिंगली लोकल एनेस्थेटिक और जनरल एनेस्थेटिक में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो हमारा प्री एनेस्थेटिक ड्रग है बेसिकली ये इन्वॉल्व होते हैं जनरल एनेस्थेटिक के केस में। कभी कभी जब हम उसको पर्टिकुलर पर्सन को ऑपरेशन थिएटर में लेकर के जाते हैं और उनको सर्जरी के लेके लिए बात की जाती है, तो काफी सारे उनके बॉडी में ऐसे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एसिड, एंजाइटी, पेन, इस तरह की चीजें होती हैं, और इन सबको एक साथ धीरे धीरे पर्टिकुलरली सिम्टोमेटिक तरीके से इनहिबिट करके सप्रेस करने वाले जो ड्रग दिए जाते हैं कम्युलेटिव तरीके से, इन्हीं को हम बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक ड्रग, यानी कि ऐसे ड्रग जो कि जनरल एनेस्थेसिया देने से पहले दिया जाए ताकि इनके इफेक्ट को, किनके इफेक्ट को, जनरल एनेस्थेसिया के इफेक्ट को और अच्छे से मॉड्यूलेट किया जाए। कई बुक में इनको आपको एक अलग क्लासिफिकेशन के फॉर्म में दिया रहेगा और कई बुक में इनको एक अलग ही टॉपिक के रूप में यूज किए जाते हैं, सो ये वेरी करता है, लेकिन ऐसे सारे ड्रग जो कि एनेस्थेसिया देने से पहले दिए जाते हो इन्हीं को हम कहते हैं प्री एनेस्थेटिक ड्रग। सो फ्रेंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल में जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस वर्ड के बारे में बात करने वाले हैं, आज का ये वर्ड है डाउन रेगुलेशन। डाउन रेगुलेशन क्या होता है, दो चीजें हैं, दो वर्ड है, डाउन मतलब होता है कम नीचे और रेगुलेशन मतलब होता है उसको प्रोपगेट यानी कि उसको सिंथेसिस करने वाली स्टेप्स। तो अगर हम इस डाउन रेगुलेशन वर्ड को हमारे रिसेप्टर फार्माकोलॉजी के साथ मैच करें, जोड़ दें, तो इसका सेंस यूं बनता है कि ऐसा कोई भी कंडीशन जिनकी वजह से आपके कोई स्पेसिफिक पर्टिकुलर रिसेप्टर की संख्या में कमी आ रही होगी, उनके जो रिसेप्टर के बनने की प्रोसेस है उनमें कमी आ रही होगी, तो अल्टीमेटली रिसेप्टर की जो संख्या है वो कम हो रही होगी, तो ऐसा कंडीशन को हम कहते हैं डाउन रेगुलेशन। काफी सारे एग्जांपल हैं, सिंपल से एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम बात करते हैं डायबिटीज की, तो एक ऐसा डायबिटीज का टाइप जिसमें हमको इंसुलिन को एक्सटर्नल सोर्स से लेना पड़ेगा, उसके पीछे का रीजन क्या होता है, क्योंकि आपके जो कंडीशन है वहां पर कोई भी तरह के जो इंसुलिन है वो बन ही नहीं रहे, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बना। दूसरा जो केस है उसमें हम बात करते हैं जिसमें हम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को यूज करते हैं,
हैं, यहां पे पहले की तुलना में अलग टाइप होता है। यहां पे इंसुलिन के बनने का जो वॉल्यूम है वो कम होता है, लेकिन पूरी तरह से आपका जो पेनक्रियास है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। ऐसे केस के पीछे के कई रीजन में से दो इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि आपके इंसुलिन की कमी हो जाना, दूसरा आपके रेगुलेशन ऑफ रिसेप्टर का कम हो जाना यानी कि डाउन रेगुलेशन हो जाना, नंबर ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर की संख्या में कमी हो जाना। इसके पीछे ये भी जस्टिफाइड है कि अगर इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में बन रहा है तो भी, अगर रेजिस्टेंस हो रहे हैं, अगर रिसेप्टर की संख्या में डाउन रेगुलेशन हो रहा है तो भी आपको डायबिटीज होगा। तो सिंपल सा यूं कह लीजिए एक लाइन में कि डाउन रेगुलेशन माने कि रिसेप्टर की संख्या में कमी आ जाना। सो फ्रेंड दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल में जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस टर्मिनोलॉजी को अपने वोकैबुलरी में इंस्टॉल करने वाले हैं ये वर्ड है बल्क परगेटिव। बल्क परगेटिव या बल्क लैक्सेटिव लगभग सुनने में सेम लगते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हमारे जीआईटी में डाइजेशन प्रॉपर नहीं होते हैं या कुछ और बायोलॉजिकल पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से हमारे स्टूल का जो हार्डनेस है वो ज्यादा हो जाता है और हम उसको इवैक्यूएट नहीं कर पाते हैं। दिस इज सिंपली नोन एज अ कॉन्स्टिपेशन। इसी कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए जब हम ड्रग लेते हैं तो ये ड्रग अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग मैकेनिज्म या प्रिंसिपल को फॉलो करके अपना एक्शन शो कर सकते हैं। तो जो हमारा बल्क लैक्सेटिव है वो कोई रिसेप्टर वाले प्रिंसिपल पे काम नहीं करता, केवल फिजिक्स के प्रिंसिपल पे काम करते हैं। जब हम इसबगोल या इस तरह की जो भूसी को हम लेते हैं आपके कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए, तो ये आपके जीआईटी में प्रेजेंट वाटर को एब्जॉर्ब करता है और उसके कारण से अपने साइज में इनलार्जमेंट होगा, स्वेलिंग होगा, तो उसकी वजह से एक प्रोपेलेशन का इफेक्ट शो होगा और वो आपके कॉन्स्टिपेटेड स्टूल को जो कि अभी भी स्टोर है आपके इंटेस्टाइनल पार्ट में, इनको एक फोर्सफुली प्रेशर अप्लाई करता है जिनकी वजह से ये जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस है वो सूदिंग तरीके से अच्छे से हो जाता है और आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है ये भी ठीक हो जाते हैं। वैसे अगर आप देखेंगे तो इरिटेंट भी अलग कैटेगरी में आ जाते हैं, लेकिन आज की जिसके नाम मैंने बात किया वो है बल्क परगेटिव, जो कि अपने साइज में इंक्रीज करके स्वेल करके उस स्टूल को प्रोपेल करने का काम करते हैं और इस तरीके से आपको जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी इससे ये रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं। दिस वाज द टर्म फॉर द डे, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।